रात के 7:30 बजे एक अनजान शहर में अकेले कभी कब्रिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल चलाया आपने? पता नहीं समय जाना सही है कि नहीं। आज की वीडियो देखने के बाद मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसे पागलपन बोलोगे या जुनून या महज एक चुतियापा। आपको 1 घंटे पीछे लेकर चलता हूँ। 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर में समंदर के किनारे खड़े होकर ये सोच रहा था कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है। हवा बहुत तेज चल रही थी और लोग किनारे पर चल रहे एक रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। और तभी अपनी जुल्फों को लहराते हुए मुझे 4 लड़के दिखते हैं। इनसे बात करके पता चला कि इस बीच से 7 किलोमीटर दूर एक फोर्ट है, वहाँ जाना मत भूलिएगा। कन्याकुमारी में आज मेरा आखिरी दिन था और कल मुझे सुबह सुबह रामेश्वरम निकलना है। मैंने सोचा कि अगर ये फोर्ट देखना मिस हो गया तो बहुत गिल्ट होगा अंदर, पर ये एक नॉर्मल सा फोर्ट ही तो है, इसे देखने के लिए मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा था? आप यही सोच रहे होंगे शायद, पर बरखुरदार ये कोई नॉर्मल किला नहीं है। चलिए ले चलते हैं आपको वटाकोटाई के इस छोटे से लेकिन तशरीफ़दार नाइट राइड पे। भाई एक से एक समुद्री कीड़े उड़ रहे हैं अभी हवा में। जैसे ही लाइट देखते हैं पट से हेलमेट के अंदर घुस जाते हैं। चाय चुई पी ले क्या अन्ना लोगों के साथ? ये आ जाओ यहाँ। कोई 4 किलोमीटर राइड करने के बाद एक चौराहे पर जाकर मेन रोड खत्म हो जाता है। कुछ दिखाते हैं आज चाय कैसे बनती है इधर। मेक 1 टी लेस शुगर, ऐसे इसको धो लिया जाता है गर्म पानी। गर्म पानी में अंदर ऑलरेडी चाय पत्ती है, वो बॉयल हो रहा है। अब इसको अन्ना निकालेंगे दूध। डिस्पोजल ग्लास नो, ऐसे लस्सी से पहले फेंट देते हैं दूध को। ओ भाई साहब, और फिर ओके ग्रेट। सो लाइट टी, ओके माई स्ट्रॉन्ग टी। मैंने रुक कर इस टपरी पर चाय पिया और दादा लोगों से इस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी भी ले ली। अब यहाँ से फोर्ट तक का रास्ता गांव और जंगलों के बीच से होकर जाने वाला था। ये मैंने मेन रोड छोड़ दिया और गांव के अंदर से मैं घुस के जा रहा हूँ। कन्याकुमारी के पास स्थित एक छोटा सा गाँव आप देख रहे हैं अभी रोविंग लामा के नजरों के थ्रू। यहाँ पे आंटी लोग पता नहीं क्या कर रही है इतनी रात को। वो कहते हैं ना कि जब तक आपको डर के बारे में पता ना हो आप डर नहीं सकते, और शायद इसीलिए मैं बेखौफ आगे बढ़ता गया। ये एक तमिल गांव देख रहे हैं आप लोग, और भाई तमिलनाडु में मंदिर के क्या कहने यार। ये देखो कितना शानदार आर्किटेक्चर, वैसे तमिल में लिखा समझ में नहीं आ रहा बट लुक एट द व्यू। जय हो। अच्छा यहाँ पे टेम्पल के अंदर का जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं मंडपम। फोर्ट की दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अरे यार इस रोड से नहीं आना चाहिए था क्या भाई? ये तो खतरनाक सा लग रहा है। पता नहीं इस वाले जंगल में जो यहाँ पे नारियल के पेड़ के जंगल है इसमें कौन से जानवर रहते होंगे। पूछते हैं अन्ना से। अन्ना नमस्ते, इसमें अंदर एनिमल प्रेजेंट, एनिमल इज देयर? जानवर है अंदर? जानवर ही काम है इसमें, जानवर जानवर है अंदर। हार्ड टाइम। मैंने सोचा था कि ये फोर्ट तो कन्याकुमारी का टूरिस्ट प्लेस है, मेरे जैसे और भी टूरिस्ट होंगे इधर, पर दोस्त मैं गलत था। फोर्ट के सुनसान चौखट पर मैं एकदम अकेला अपने मोटरसाइकिल के साथ खड़ा हूँ। पर असली कांड यहाँ से वापस जाने के दौरान होगा। बने रहिएगा वीडियो में, और मजा आ रहा होगा तो यार एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, मनोबल बढ़ेगा मेरा और बदले में ऐसे लॉन्ग वीडियोस अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दूंगा। ओह ये रास्ता बंद है, चलो रास्ता तो नहीं लांगेंगे बट इधर से साइड से चलते हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ये जो फोर्ट है फोर्ट के सामने एक मंदिर है माता रानी का, कुछ तो बना हुआ है यार। देखो ऐसे ना उल्लंघन नहीं करते हैं चीज़ों का, बट कोई बात नहीं, ऐसे प्रणाम कर लेते बस। जय माता रानी, कुछ गलती की हो तो माफ़ कीजिएगा। ओ भाई साहब चमगादड़ों गादड़ उड़ रहा है भाई इधर, ये तो एकदम खतरनाक एपिक एडवेंचर हो रहा है। ये देखो ये लिखा हुआ है चेतावनी संरक्षित स्मारक। ओह कोई जानवर था इधर,
दिस मॉन्यूमेंट हैज बीन डिक्लेयर टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड जानवर की आवाज कहाँ से आ रही है यार। आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स। यार देखो, कायदे से मुझे अभी इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट मैं फिर भी आया क्योंकि मुझे ये देखना था। रात हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, सामने बैरिकेड वगैरह लगा हुआ है कि इधर से मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड भी लगे हैं दैट यहाँ जाना सही नहीं है। तो ये विट्टल कोटाई फोर्ट है जो अपने ट्रेवन कोर एम्पायर हुआ था साउथ का, बहुत ही फेमस ट्रेवन कोर एम्पायर, आपने नाम सुना होगा ट्रेवन कोर। तो उन्होंने ये फोर्ट को बनवाया था 18th century में, और ये बोलते हैं कि ये वन ऑफ द लास्ट सी साइड फेसिंग फोर्ट है, मतलब समंदर के किनारे बना हुआ है ताकि कोई अगर बाहरी आक्रांता आक्रमण करे तो यहाँ से डिफेंस वो लोग प्रोवाइड कर सके। तो इस पर्पज़ के साथ इस वाले फोर्ट को बनवाया गया था। फिलहाल ये बंद है, सुबह में खुलता है, और कोई नहीं अभी इस समय पे, बस ये कुछ डॉगीज़ हैं और मैं हूँ, हमारी धन्नो है। धन्नो का एक छोटा वाला लाइट वो फ्यूज़ हो गया, चेंज करवाना है इसको। तो ये है यार यहाँ का एक इम्पोर्टेंस। निकलते यार यहाँ पे, पता है ऐसी जगहों पर ना रात को नहीं जाना चाहिए भाई, अजीब ही लग रहा है यार, भागो यहाँ से। बट बात ये है ना कि जब आप भोले के भक्त हो ना, महादेव से प्यार हो, तो फिर डर वर लगना बंद हो जाता है। ये बात तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। विट्टल कोटाई फोर्ट को प्रणाम करके, यहाँ पे जो इनकी शायद रक्षक देवी हैं इनको प्रणाम करके निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय पपीज। यार तुम्हारे लिए बिस्किट लाना चाहिए था, नहीं लाया मैं, सॉरी। जब वट्टाकोटाई फोर्ट घूमकर मैं वापस अपने होटल आ रहा था, तब मुझे रोड के किनारे एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था बीच रोड। चलो थोड़ा बीच पे घूम के आ ही जाते, रात हो गया तो क्या हो गया। अब मैंने सोचा कि बीच पास में ही होगा, चलो घूम के आते हैं, और मैंने बुलेट को साइन बोर्ड वाले रोड की तरफ मुड़ा दिया बीच जाने के लिए। तो यहाँ से एक सीक्रेट बीच जाता है अंदर, पता नहीं समय जाना सही है कि नहीं। लेकिन थोड़ी देर में ही एक सुनसान मोड़ पर कब्रिस्तान प्रकट हो जाता है मेरे सामने। आई थिंक इस समय जाना सही नहीं है, छोड़ो। देखो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं कब्रिस्तान को इग्नोर करके चुपचाप बीच की तरफ चला जाता, या फिर ये वाला ऑप्शन। एडवेंचर ठीक है, लेकिन जहाँ पता हो कि साला रिस्क बहुत ज्यादा है, वहाँ पे फर्जी का एडवेंचर नहीं, बीच और भी देख लेंगे बहुत सारे। वो शायद वहाँ पे कब्रिस्तान वगैरह भी बना हुआ था, तो ऐसी जगहों को पार नहीं करते रात के टाइम पे। चलो कोई बात नहीं, अपना ये विट्टल कोटाई मेरे को फोर्ट देखना था, देख लिया, भले अंदर नहीं जा पाए, बट इट्स ओके। पिछले 3 साल से सोलो राइड करते हुए मुझे एडवेंचर और चुतियापे का बारीक अंतर समझ में आने लगा है, और शायद होटल वापस आना मेरे लिए एकदम सही डिसीजन था। अभी मेरा होटल यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर है, और मुझे एक दादा दिखते हैं जो साइकिल पर कुछ तो बेच रहे थे। क्या बेच रहे हैं? पता चलता है कि ये तो कॉफी बेच रहे हैं। मैंने सोचा कि दादा को सरप्राइज किया जाए। यू आर मेकिंग कॉफी? कैसे बनाते हैं? दिस इज कॉफी पाउडर। चलता फिरता कॉफी का दुकान। एक कॉफी बनवाई और बोला कि दादा ये कॉफी आप पी लो। हाउ मच? 20 रुपए। अना यू ड्रिंक फ्रॉम माई साइड, ड्रिंक यू ड्रिंक। दादा बड़े कंफ्यूज हो गए, उनके जहन में 2 सवाल, क्या मैं रोविंग लामा इसके पैसे इन्हें दूंगा, और आखिर मैं क्यों इनको इनकी ही कॉफी पिलाना चाहता हूँ। आई विल गो ओनली इफ यू ड्रिंक। Quote. Are you drink first? Quote. Please. दादा को मेरी भाषा भी समझ नहीं आ रही थी, ये बस मुझे पुटे पुटे बोलकर कॉफी पीने से मना कर रहे थे। अब दादा ने कॉफी पिया कि नहीं, मैंने पैसे दिए कि नहीं, क्या मेरा दादा को खुश करने का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, ये सब आप कल के शॉर्ट्स में देख लेना। ठीक शाम 6:30 बजे। जय हिंद, हर हर महादेव।